भारतीय वाहन खरेदी विक्री संघटना औरंगाबाद जिल्हा विभाग तर्फे RTO श्रीयुत मेत्रेवार साहेब यांना निवेदन दिलं। आज आपल्या औरंगाबादमध्ये इतके दिवस झाले सगळे शासकीय कार्यालय उघडे असून सुद्धा आरटीओ कार्यालयाला गेटला कुलूप आहे, परंतु आतून सगळे व्यवहार बंद खिडकीतून चालतात। या संबंधी आम्ही एक निवेदन दिलं आहे आणि कोणतंही काम आज होत नाही लवकरात लवकर, तर त्या कामासंबंधीचं आम्ही पूर्ण एक निवेदन दिलेलं आहे। त्या निवेदनामधील एक्सपायर हो गई तो एक साल के अंदर वो अगर नहीं रिन्यू किया तो वो लाइसेंस रद्द करते, तो उसके लिए हम 3 साल की मुदत मांग रहे, तो 3 साल में इनका ये होना चाहिए। हाँ, आज आप यहाँ पे निवेदन देने के लिए आए और आपने कहाँ कहाँ निवेदन दिया? आज हमने निवेदन जो दिया है वो RTO साहब मेत्रेवार साहब को दिया है, मिस्टर साहब को दिया है, फिर आयुक्त केंद्रेकर साहब के पास दे रहे अभी, और हम सभी न्यूज़पेपर में भी देने वाले, तो इसलिए क्या मांगनी है आपकी? हमारी ये मांगनी है कि हमारे व्यावसायिक आज भूखे मर रहे और उसके वजह से काम हो रहे नहीं, खरीदी बिक्री के कोई भी व्यवहार जल्दी हो रहे नहीं है, क्यों कि ये काम के वजह से RTO की हलगर्जी बना के वजह से ये काम नहीं हो रहे, ये काम होना चाहिए, इसलिए हम ये निवेदन दे रहे। दूसरा जो है तकरार पेटी और सूचना पेटी, हमारा जो कुछ एक मांग दे कि यहाँ पे तकरार पेटी और सूचना पेटी एक रखो, उसमें जो भी अर्जदार का काम नहीं होगा वो सूचना करेगा या तकरार करेगा, उसका एक अधिकारी अपॉइंट करो, वो तुरंत की तुरंत उसका तकरार निवारण करेगा। सूचना फलक बड़े अक्षर में सूचना फलक लगाओ कि हर एक आदमी को, अनपढ़ आदमी को भी समझना चाहिए कि RTO में काम कितने दिन में पेपर हो रहे, या कोई इलेक्ट्रिक डिजिटल बोर्ड, अभी इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आई है मगर RTO ऑफिस कोई कुछ नहीं करता है। औरंगाबाद जिला का इतना बड़ा औरंगाबाद जिला है तो इसमें इतना चेंजेस आने को होना, सब ऑनलाइन चालू है मगर ये RTO ऑफिस में कुछ करते नहीं, क्यों कि यहाँ पे सब नंबर दो के लेके देख के सिवा काम होता नहीं, लिए दिए बगैर तो काम होता नहीं, तो इनको लिए दिए बगैर रोज रात में इनकी ब्यागा भर के जाएंगी, वो ब्यागा भरने के लिए इनको कुछ ये नया कुछ करने वाले नहीं। DRC साठी B4 मीची आठ जर B4 जनता दरबार एक होना चाहिए, RTO कार्यालय में एक जनता दरबार दर हफ्ते में एक दिन रखना चाहिए, उसमें एक जो वरिष्ठ अधिकारी है यहाँ पे आना और जो भी जिसकी भी समस्या है उसका जनता दरबार, जैसे अपन कोर्ट में जाते हैं दरबार भराते हैं और उनका लगेज इमीडिएट रिपोर्ट हो जाता है, वैसा जनता दरबार करके इनका भी काम होना चाहिए, ये एक हमारी डिमांड है। DRC के लिए जो B4 लगता है वो औरंगाबाद जिले में यहाँ पर हो रहा, मगर अपने तालुका लेवल पर जो कैंप हो रहे वो तालुका लेवल पर, वहाँ पर B4 अगर कस्टमर लेके गए तो उसका B4 करते नहीं है, तो वो भी B4 वहाँ पे होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और औरंगाबाद RTO कार्यालय जो आज सभी शासकीय कार्यालय चालू है मगर RTO कार्यालय को गेट को कुलूप है, ये कुलूप यहाँ से खिलना चाहिए, ये कुलूप खोला तो ही काम होने वाला है, और ये कुलूप खोला नहीं तो ये लाइन इधर से इधर रेलवे स्टेशन, इधर से इधर आनंद नगरी तक जा रही, बाबा पेट्रोल पंप तक लाइन जा रही, ये क्या औरंगाबाद के लिए शोभनीय है? ये काम नहीं होना, ये हिसाब से RTO कार्यालय ताबड़तोड़ खोलना और आवक जावक विभाग चालू करके उसका हर एक का लाइन से सोशल डिस्टेंसिंग रख के उनका फॉर्म एक्सेप्ट करो इनका, ये हमारी डिमांड है। सर्व व्यावसायिक ये कोरोना महामारी में सबके बिजनेस एकदम ठप हो गए, कोई किसी को कमाई नहीं है, आज इतने भूखे हो गए लोग, भूखे मर रहे कि अभी कोई धंधा क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये काम हम आपको भारतीय वाहन खरीदी विक्रय संगठना के जितने भी मेंबर है हम आपको जितना सहकार्य करेंगे, हम सहकार्य करेंगे मगर आपके तरफ से भी हमको सहकार्य मिलना चाहिए, और हर अर्जदार का अर्ज इमीडिएट 15 दिन के अंदर जो नियम है तो ये इसके लिए आज हमने सब हमारी जो वाहन खरीदी विक्री संगठना है भारतीय वाहन खरीदी विक्री संगठना, माझं नाव रमेश बंग, मी रमेश नंदलाल बंग आणि माझ्या सोबत असलेले सर्व माझ्या संघटनेचे सदस्य
ये उसी है, ये सर्व सदस्य मिस्टर वाजिद भाई तो बाद में तुम्हारा ये क्या बोलते हैं कदीर मामू रईस भाई मंसूर गांड पठान ये सब लोग आदि बहुत सारे लोग है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए हम लोग आए हुए नहीं है, इसलिए कम लोग आए हैं और हम ये जल्दी से जल्दी ये निर्णय इमीडिएट होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको प्रार्थना करता हूँ कि RTO साहब ने ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इमीडिएट होना चाहिए।